नमस्ते एवरीवन, गेट ट्रेंड इन 10 मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। लेट्स सी व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ इनएक्टिंग दिस एक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट लॉ इज प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ मदरहुड एंड मदर्स, सेफगार्ड हर एंड हर चाइल्ड्स हेल्थ। मदरहुड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम इन एनी वुमेन्स लाइफ एंड इट्स अ राइट टू एंजॉय इट एंड गिव प्रॉपर केयर her child having no worries related to security of her job. During pregnancy या maternity, एक woman relax होके अपने और अपने बच्चे के health पे ध्यान दे सके और उसे job की चिंता ना हो, this was the basic purpose of this act. The first maternity benefit law was made by the state of Bombay in the year 1929. Let's see, law अपने शब्दों में इस act के purpose को कैसे define करती है। The Maternity Benefit Act aims to regulate employment of women employees in certain establishment for certain periods before and after childbirth and provides for maternity and certain other benefits. Let's see what exactly the law says. ये law कौन से companies में applicable होती है? The Act applies to all establishment, being a factory, mines, plantation or circus, where 10 or more persons are working. ये ध्यान में रहे, act 10 या उससे ज्यादा persons की बात कर रही है। The act is not telling us anything about 10 or more female. Let's see who all are eligible to get benefit under this act. हर वो women employees जिन्होंने last 12 month में 80 days काम किया हो वो एलिजिबल हो जाती हैं इस एक्ट के अंदर में बेनिफिट लेने के लिए। अब देखते हैं लॉ ने वुमेन वर्ड को कैसे डिफाइन किया है। वुमेन मींस ए वुमेन एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी फॉर वेजेस इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। प्लीज कीप इन माइंड, लॉ इज नॉट यूजिंग वर्ड्स लाइक मैरिड और अनमैरिड। डियर एचआर प्रोफेशनल्स, इस एक्ट के अंदर में बेनिफिट एक्सटेंड करते समय प्लीज आप ये भी देखने या जानने की कोशिश ना करें कि वेदर द वुमेन इज मैरिड और नॉट। लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन अंडर द एक्ट। 26 वीक्स ऑफ लीव व्हिच इज नॉर्मली टेकन 8 वीक्स प्री डिलीवरी एंड 18 वीक्स पोस्ट डिलीवरी एंड दीज बेनिफिट्स आर गिवन अप टू 2 सर्वाइविंग चाइल्ड। इसका ये मतलब है क्या कि थर्ड चाइल्ड ऑनवर्ड मैटरनिटी बेनिफिट किसी वुमेन को नहीं दी। मैटरनिटी लीव फॉर थर्ड चाइल्ड ऑनवर्ड्स 12 वीक्स की दी जाती है इन प्लेस ऑफ 26 वीक्स। 12 वीक्स ऑफ लीव एडॉप्टिंग मदर्स को भी दी जाती है प्रोवाइडेड बच्चे की उम्र 3 महीने या उससे कम हो। 12 वीक्स ऑफ लीव्स आर आल्सो गिवन टू कमिशनिंग मदर्स। The 12 weeks period of maternity leave will be calculated from the date the child is handed over to the adoptive or commissioning mother. This is something which is very important and interesting. Is Act ki section 11 ye kehti hai, any establishment which has 50 or more employees shall have the facility of crèche. Ab aapke dimag mein do questions aa rahi hongi, 50 or more female employees और 50 और मोर टोटल एम्प्लॉयज। द एक्ट इज टॉकिंग अबाउट 50 और मोर टोटल एम्प्लॉय। द टर्म एम्प्लॉय हैज बीन यूज्ड टू मेक द प्रोविजन जेंडर न्यूट्रल। ए वोमेन इज बायोलॉजिकली एंडाउड टू गिव बर्थ, लेकिन बच्चे की टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर और मदर दोनों पे होती है। देयरफॉर इवन इफ एन एस्टेब्लिशमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली मेल्स, such establishment should have a crèche facility to enable fathers to bring their children to the crèche. What I am trying to say is, ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे 50 के 50 एम्प्लॉय मेल हैं, एक भी फीमेल एम्प्लॉय नहीं है, वैसी भी कंपनीज को crèche की फैसिलिटी दी जानी होगी, so that the males or the fathers can bring their children to the crèche. देखिए, crèche की फैसिलिटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने ही प्रीमिसेस में, अपने ही कंपाउंड के अंदर क्रेच प्रोवाइड करके एम्प्लॉयज को दे। वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी टाइप कर सकती है, एक लॉजिकली एक्सेप्टेबल डिस्टेंस पे दूसरी कंपनी भी हो सकती है जो क्रेच की फैसिलिटी इस कंपनी के एम्प्लॉयज को एक्सटेंड करे। द बेसिक पर्पस इज
टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेच, क्रेच बना के ही देना है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये बहुत नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मैटरनिटी बेनिफिट एक एम्प्लॉयर किसी वुमेन एम्प्लॉय को निकाल दे, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट पॉसिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की राइट रहती है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में द एम्प्लॉयर कैन आस्क द फीमेल एम्प्लॉय टू गो। आउट ऑफ 26 वीक्स अप टू 8 वीक्स कैन बी क्लेम्ड बिफोर डिलीवरी और रेस्ट 18 वीक्स को लिया जाता है मैटरनिटी बेनिफिट डिलीवरी के बाद। Out of 26 weeks, up to 8 weeks can be claimed before delivery. और normally rest 18 weeks post delivery लिया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि leave को इसी order में लिया जाए। One can take the entire 26 weeks of leave after the delivery. Under the Act, it is obligatory for the employer to inform the employee about the maternity benefit at the time of joining. The woman should produce a certificate 10 weeks before her delivery. अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए उसे ये 10 वीक पहले इन्फॉर्म करना होता है। एम्प्लॉय नीड्स टू गिव रिटन नोटिस टू द एम्प्लॉयर बिफोर 7 वीक्स जब वो लीव पे जाने की इंफॉर्मेशन दे रही हो। पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शैल बी मेड विद इन 48 आवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म बी। जब वुमेन एम्प्लॉय अपने लीव के बारे में इन्फॉर्म करती है तो उसके 48 आवर्स के अंदर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जानी चाहिए। The payment of second installment should be made within 48 hours of submission of form E, which is certificate of delivery. In the unfortunate circumstance of miscarriage, the employee is allowed 6-week leave. Leave with payment for 2 weeks in case of tubectomy operations. Medical bonus ki bhi facility di gayi hai, jisme 3500 ki payment hoti hai. This is something which is very important. फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 48 के अनुसार हर एक फैक्ट्री को क्रेच की फैसिलिटी देनी होती है अगर वहां पे 30 या उससे ज्यादा फीमेल एम्प्लॉय हो। वेयर एज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्रेच की फैसिलिटी मैंडेटरी करती है 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय पे। सो ऐसी फैक्ट्री जहां पे 50 एम्प्लॉय नहीं है इन टोटल बट 30 वुमेन एम्प्लॉय है, वैसे फैक्ट्री को भी क्रेच की फैसिलिटी देनी होगी। देखिए, देयर कैन बी वेरियस सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। हम लोग उन डिफरेंट या वेरियस सर्कमस्टांसेस को देख लेते हैं और हर एक सर्कमस्टांसेस में मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है, कैसे एक्सटेंड करना होता है, वो भी देख लेते हैं। द फर्स्ट सिनेरियो कैन बी इफ वुमेन डाइज बिफोर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। इन दिस केस डेथ के केस में मैटरनिटी बेनिफिट की पूरी बेनिफिट रुक जाती है वुमेन के डेथ वाली डे के बाद। द सेकेंड सिनेरियो कैन बी इफ वुमेन डाइज ड्यूरिंग और पोस्ट डिलीवरी लीविंग द चाइल्ड बिहाइंड। द चाइल्ड इज देयर, इन दैट केस द एंटायर बेनिफिट अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट गेट्स एक्सटेंडेड टू द नॉमिनी सो दैट द नॉमिनी कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। थर्ड सिनेरियो वो हो सकती है जहां पे The child also dies and the woman also dies. दोनों के डेथ के केस में भी मैटरनिटी बेनिफिट की सभी फैसिलिटी रुक जाती है डेथ वाली डे में ही। And the fourth scenario can be where the child has died, लेकिन woman है, woman is has survived. In that scenario, the entire benefit under Maternity Benefit Act is extended to women. जैसा नॉर्मल केस में एक्सटेंट होता है वैसे इस केस में भी एक्सटेंट हो। लेट्स बी इम्यून टू द जॉब एंड सिक्योरिटी फ्रेंड्स, एनहांस योर स्किल्स एंड नॉलेज। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज वी आर प्रोवाइडिंग 1 month ऑनलाइन एचआर जर्नलिस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स अंडर विच वी कवर 3 modules। द मॉड्यूल 1 इज ऑफ स्टैट्यूटरी एंड लेबर लॉज, द सेकेंड मॉड्यूल इज ऑफ कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, एंड द थर्ड मॉड्यूल इज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन। Under first module, we cover things like Provident Fund, ESIC, PF and ESI calculation, Challan preparation, online PF and ESI login, and we teach how to make payment online. We also discuss about Maternity Benefit Act, Bonus Payment, Gratuity Act, and Minimum Wages. The second module is of Compensation and Benefit, under which we learn how to design CTC structure. We discuss the difference between CTC, Gross Salary, and Net Salary. We understand how to manage payroll. Hum log इनकम टैक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, ओवरटाइम पेमेंट एंड लीव एंड हॉलीडेज।
and we also try to understand how the full and final settlements are made at the time of exit of the employees. The last and third module is of recruitment and selection, जिसमें हम लोग discuss करते हैं job description and job specification. We discuss in detail about sourcing strategies. हम लोग naukri.com में live login करके train करते हैं बच्चों को ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि suitable resumes को हम लोग कैसे find out कर सकते हैं by using different keywords and different searches. We discuss in detail about search skills, mass mailing, job posting, and we also discuss about the use of LinkedIn and other social sites for talent acquisition. This is what I wanted to share with you all today. Thanks for watching. Thanks for your time. Channel को like और subscribe जरूर करें. Bell icon को भी click कर दें, जिससे आपको हमारी सभी नई videos की notification time पे मिल जाए. Have a good day, friend. Take care. Be safe. Thank you very much.